नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह जी डोटासरा और अन्य मंत्रियों ने भी सराहना की है नर्सेज की, इसी को लेकर के आप देख सकते हो। लेकिन मैं मेरे चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि जो सीएचई जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, सरकार क्यों नहीं चाहती कि उनको ये जो है नौकरी पर रखा जाए, उनको परमानेंट किया जाए, इनको संविदा केंद्र में शामिल किया जाए, इनका वेतन बढ़ाया जाए, क्यों नहीं चाहते सरकार? अब ज़रूरत के समय तो इनको लगा लिया गया, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है तो मतलब ये तो एक यूज में लेने की चीज़ हो गई, जो गलत है। और कहना चाहूँगा कि जो 45 दिन से धरने पर जो बैठे हुए हैं सीएचए, कम से कम सरकार उनको एक नौकरी की आस तो दे और उनका वेतन बढ़ाए, संविदा केंद्र में उनको शामिल करे। अरे परमानेंट ना कर सके तो कम से कम संविदा केंद्र में तो उनको शामिल करे सरकार। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो जी न्यूज राजस्थान उदयपुर से है, सीएम गहलोत का जो है संबोधन है। इन्होंने कहा है कि कोरोना में नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं बेहद सराहनीय, कोरोना में नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं बेहद सराहनीय। पहली लहर में मृत्यु दर कम लेकिन डर ज़्यादा था, लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, तीन मंत्रियों को दिल्ली भेजा। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो गोविंद सिंह जी डोटासरा, इन्होंने भी चिकित्सा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले समस्त नर्सिंग कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। दोस्तों, गोविंद सिंह जी डोटासरा ने, जो शिक्षा मंत्री थे अपने गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने समस्त नर्सिंग कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं दी है और उनके समर्पण, त्याग एवं प्रतिबद्धता के लिए यह राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। सीएम गहलोत का संबोधन में आप देख सकते हो, कहा कि कोरोना में नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं बेहद सराहनीय। पहली लहर में मृत्यु दर कम लेकिन डर ज़्यादा था, लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, तीन मंत्रियों को दिल्ली भेजा ताकि लोगों को राहत दिला सके। नर्सिंग कर्मियों के सहयोग से राजस्थान में टीकाकरण अभियान हुआ सफल, यही कारण कि तीसरी लहर में पूरी तरह काबू में रही। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से, अपील करूँगा मेरे चैनल के माध्यम से कि जो सीएचए जो 45 दिन के आसपास हो गए, उनको इस तपती धूप के अंदर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कम से कम सरकार उनको संविदा केंद्र में शामिल तो करे, कम से कम उनको एक नौकरी की आस तो दे। जो कोरोना जैसी महामारी ने इन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है तो गहलोत जी ने ये संबोधन किया था। और इसी के अलावा दोस्तों, कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि जब आप भी इतना करते हो तो कम से कम जो ये संघर्ष कर रहे हैं इस गर्मी के अंदर, तो इनकी कम से कम एक या दो मांगे तो पूरी करे सरकार। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से कहूँगा कि सरकार को जल्द से जल्द इनको कुछ ना कुछ राहत तो देनी ही चाहिए, अन्यथा सरकार के ऊपर ही भारी रहेंगे। 25,000 सीएचए, 28,000 जो भी सीएचए लगाए गए हैं। तो दोस्तों, ये आज का अपडेट था नर्सेज कर्मियों के लेकर के, उनको मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं बधाई दूंगा उनको। इसके अलावा दोस्तों, सीएचए से संबंधित कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।